वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी केले की टिक्की, वो भी टेस्टी और यम्मी। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन मानिए आपको केले की टिक्की बहुत ही पसंद आएगी। झटपट बनने वाली केले की टिक्की छोला हम बनाना शुरू करते हैं। छोला टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे केले, तो यहाँ पर मैंने ये कच्चे केले लिए हैं। ये मार्केट में जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे। अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब हमें इनका आगे का पार्ट हटाना है। इस तरह देख के बड़ी आसानी से हट जाता है, और इस तरह हमें इनको टू पार्ट में करना है। तो सभी को मैंने टू पार्ट में कर लिया है। अब हमें इनको बॉईल करना है, तो उसके लिए हमें इनको प्रेशर कुकर में हम इनको बॉईल करते हैं। सभी को हमें प्रेशर कुकर के अंदर डालना है। अब इन्हें हम गैस पे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। एक गिलास पानी हमें इसमें ऐड करना है, और अब प्रेशर कुकर को भी अब हम बंद कर देते हैं। फुल फ्लेम पे हमें दो सीटी लेनी है। बाद में हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, और कम फ्लेम पे जो है हमें इसको 5 से 10 मिनट तक पकाना है। जब 5 से 10 मिनट हो जाएंगे तो गैस की फ्लेम को हमें बंद करना है, और केले को जो हम ठंडा होने देंगे, इनका पानी निकाल लेंगे। जब तक केले बॉईल होते हैं हम चने को भी बॉईल कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर लिए हैं काबुली चने। इनको 7 से 8 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो दिया था, तो अच्छी तरह से फूल गए हैं। इनको अच्छी तरह से हमें 2 से 3 बार वॉश करना है। अब इन्हें हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। तो सभी को मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। 1 टीस्पून हमें डालना है इसमें नमक, 1/2 टीस्पून हमें इसमें डालना है हल्दी पाउडर। गैस के फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर को भी अब हम बंद कर देते हैं। अब हम जो कुकर को बंद कर देंगे, और बंद में ही हमें 3 से 4 फुल फ्लेम पे सीटी लेनी है। उसके बाद गैस के फ्लेम को हमें कम करना है। कम फ्लेम पे हम 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे, फिर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो चलिए प्रेशर कुकर को अब हम बंद कर देते हैं। अब हम बना लेते हैं हरे धनिया की चटनी। तो उसके लिए 1 बंच मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। अच्छी तरह से धोकर इसको हमें साफ करना है, और मैंने इसको कट भी कर लिया है। अब चटनी को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। तो 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। इनको भी मैंने जो है 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब हम डालेंगे काला नमक। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया काला नमक, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, जो खाने का नमक होता है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है अमचूर पाउडर। ये खटाई के लिए डाल रहे हैं, इससे जो है चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है पानी। सभी को मिक्स करके हमें मिक्सी में बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए इसको हम बारीक पीस लेते हैं मिक्सी में। बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तो इसका कलर आया है, और कितनी थिक चटनी हमारी बनी है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। कहीं पे भी इसमें पानी नहीं छूटा, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चटनी बनी है। चलिए अब हम छोले भी बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 1 लाल टमाटर लिया है। इसको अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह हमें इसको अच्छी तरह से ग्रेट करना है। ये देखिए बड़ी आसानी से हो जाता है। इस तरह जो ऊपर का जो पार्ट है ना, ये छिलका, इसको हम हटा देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा टमाटर ग्रेट हुआ है। अब हम बना लेते हैं छोले। तो छोले बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन रख दिया है। इसमें 3 टीस्पून हम इसमें तेल ऐड कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर फुल किया है। 1/2 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है जीरा। 1 पिंच हमें इसमें ऐड करना है हींग, इससे सब्जी में खुशबू अच्छी आती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और सभी को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक जो है हम इसको पकने देंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है नमक। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए कम ही डालेंगे। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है चाट मसाला। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं।
अब इसमें हमें ऐड करना है पानी, तो आधी गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है, फुल फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। अब ग्रेवी जो है हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। कम फ्लेम पे इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि ग्रेवी जो अच्छे से थिक हो जाए। जो हमने चने उबाले थे वो भी आप देखिए अच्छी तरह से जो है हमारे बॉईल हो गए हैं। ये देखिए चने भी जो है हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह के हमें चने चाहिए कि दबाते ही दब जाएं। ये हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। टिक्किया बनाने के लिए जो हमने केले बॉईल किए थे वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, ठंडे भी हो गए हैं। इस तरह हमें इसका छिलका हटा लेना है। इस तरह सभी के छिलके मैंने हटा लिए हैं। इसे किसी भी मेशर से जो है आप इस तरह इसको मेश करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ, 1 पिंच हमें डालनी है हींग, 1/2 टीस्पून हमें इसमें डालना है काला नमक, 2 से 3 हम डालेंगे बारीक की हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हमें डालना है हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम हाथ पे लगाएंगे तेल और इसकी गोल गोल जो है हम टिक्की बनाएंगे। थोड़ा सा बैटर को हम उठाएंगे और इस तरह जो है बड़ी आसानी से इसकी जो है टिक्की बन जाती है। दोनों हाथ की मदद से हमें इसको गोल गोल करना है। ये देखिए इस तरह की हमें टिक्की बनानी है। ये देखिए इस तरह की टिक्की जो है बड़ी आसानी से बन जाती है। इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने कुछ भी नहीं डालना है, न ही इसमें डालने की जरूरत होती है। केले की टिक्की जो है बिना बाइंडिंग के आसानी से बन जाती है। तो सभी टिक्की को हम इस तरह बना लेते हैं। सभी टिक्की को मैंने बना लिया, आप देख सकते हैं 1 kg केले में जो है हमारी 8 टिक्की बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इन्हें हम सेलो फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने टिक्की फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक पैन लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी से यदि हम टिक्की को फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप जरूर एक बार इसे ट्राई करें, लेकिन यदि आप चाहें तो तेल भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन आज मैं घी से ही टिक्की बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लिया है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने फुल कर दिया है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम एक एक करके टिक्की को इस पे रखेंगे। घी जो है मेल्ट होने लग गया है, इस तरह हम इसको चारों तरफ से फैला लेते हैं। चलिए अब इस पे हम टिक्की रख देते हैं। तवा भी जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इस तरह जितनी आएगी उतनी हम रख देंगे। ज्यादा घी इसमें नहीं लगता है, थोड़ा ही लगता है। एक बार जरूर आप घी से बनाकर देखें, इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। सभी टिक्की को मैंने इस पे रख दिया है। कम फ्लेम पे हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। एक एक करके हम इनको पलट देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने लग गई है। गैस की फ्लेम को हमें कम में ही रखना है, कम पे इसको हमें फ्राई होने देना है। सभी को मैंने पलट दिया है। दूसरी साइड भी हमें इनको फ्राई करना है, लेकिन बिल्कुल कम फ्लेम पे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से जो है हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप ये भी देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और चलिए टिक्की को हम सर्व करते हैं। इस टिक्की को पकाने में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है, क्योंकि जितनी हम कम आंच पे इसको पकाएंगे ना उतनी ही अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी टिक्की हमारी बनकर तैयार होगी। तो चलिए एक प्लेट में हम 2 टिक्की निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी टिक्की बनी है। तो गर्मा गर्म टिक्की में सबसे पहले हम डालेंगे छोले। अब हम डालेंगे ग्रीन चटनी, जो हमने हरे धनिया की चटनी बनाई थी। अब हम डालेंगे इमली की चटनी खट्टी मीठी।
इमली की चटनी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जरूर एक बार इस चटनी को ट्राई करें। ये चटनी जो है 3 से 4 महीने तक हमारी खराब नहीं होती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और टेस्टी जो है छोला टिक्की बनकर हमारी तैयार हुई है। और थोड़ा सा हम लगा देंगे धनिया पत्ती। इस तरह देखा ना आपने केले की टिक्की जो हम कितनी आसानी से घर पर बना सकते हैं। वैसे तो टिक्की आलू की भी बनती है लेकिन केले की टिक्की बहुत ही टेस्टी लगती है। जैन लोग तो अपने घर में केले की टिक्की ही बनाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और फायदा भी करती है। केले की टिक्की बनाने में हमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर बनता है और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको छोला टिक्की कैसे लगी है। और आप केले से संबंधित और भी कोई रेसिपी देखना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं जरूर उसका वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।